एक ही रात में दो बार एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप करने की सनसनीखेज मामले ने नागपुर शहर को झंझोर कर रख दिया है। सीताबड़ी पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज हुए इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वहीं बाकी आरोपियों की जांच पुलिस द्वारा जारी है। ऐसी जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त तृप्ति जाधव ने दी। एक नाबालिग लड़की के साथ रात में दो बार गैंग रेप किए जाने की वारदात सामने आई है। 29 जुलाई की रात हुई इस वारदात से शहर पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। सीताबड़ी पुलिस ने केस दर्ज कर सूत्रधार ऑटो चालक सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मोहम्मद शहनवास उर्साना, मोहम्मद रसीद, मासूम शाह ताकिया, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मुशीर बकरा मंडी मोमिनपुरा तथा एक अन्य साथी है। इस मामले में पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की जांच जारी है। इस संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त तृप्ति जाधव ने अधिक जानकारी साझा की। काल सीताबर्डी पोलीस स्टेशन येथे पीड़ित मुलीच्या फिर्यादीवरून सेक्शन 366 अ सेक्शन 376 ड पॉक्सो आणि ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आणि पीडित मुलीचं जे फिर्यादीचं बयान आहे आणि जी काही FIR आम्हाला मिळाली त्यानुसार गँगरेप पॉक्सो आणि ॲट्रॉसिटीचे सेक्शन लावण्यात आलेले आहेत। आणि यामध्ये आम्ही 4 आरोपी त्यांना अद्यापर्यंत अटक केलेली आहे आणि त्यांना न्यायालयामध्ये प्रोड्यूस करून त्यांचा PCR घेतलेला आहे आणि त्यांच्याकडून उर्वरित तपास त्यांच्याकडून सुरू आहे। आणि जे काही उर्वरित आरोपी आहेत ते फरार आहेत, त्यांचा शोध घेण्यासाठी टीम रवाना झालेली आहे आणि लवकरच त्यांचा देखील शोध घेण्यात येईल आणि त्यांना देखील अटक करण्याची तरतूद ठेवली आहे। अद्यापर्यंतचा जो प्राथमिक तपास झालेला आहे 2 दिवसांचा, त्याच्यामध्ये 7 आरोपी आहेत असं निष्पन्न झालेलं आहे आणि त्यापैकी 4 आरोपींना अटक केलेला आहे आणि उर्वरित 3 आरोपींचा शोध सुरू आहे आणि लवकरच टीम रवाना झालेला आहे आणि लवकरच ते देखील आपल्या हाती लागतील। फिलहाल हम मौजूद है बर्डी पुलिस थाना अंतर्गत, जहाँ पे API तृप्ति जाधव ने जानकारी दी कि नागपुर में जो गैंग रेप हुआ एक नाबालिग लड़की के साथ, उस मामले में API तृप्ति जाधव ने जानकारी दी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वही बाकी जो आरोपी है इस मामले में उनकी खोजबीन जारी है। प्राथमिक तौर पर जानकारी मिली है कि जो नाबालिग थी वो अपने घर से भाग के निकली थी, उसके बाद उसने एक युवक से बातचीत की जिस दौरान उसने बताया कि मैं घर से भागी हुई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे जाना है। तब युवक उसे अपने साथ ले गया और कुछ अपने मित्रों के साथ मिलकर उसने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसके बाद उसने उसे मेयो हॉस्पिटल के पास लाकर छोड़ा और वहाँ पे ऑटो चालक से उसने बात की और बोला कि इस लड़की को यहाँ से ले जाए। उसके बाद वो जो ऑटो चालक था उसने भी इस मौके का फायदा लिया और तब वहाँ पे उसके साथ फिर से दोबारा रेप हुआ। इसकी घटना इसकी प्राथमिक जानकारी अब तक मिली है और जब ये रेप की दूसरी रेप की घटना जब घटी उसके बाद फिर से उसे GRP रेलवे स्टेशन छोड़ा गया, जहाँ पे अधिकारियों ने उसके साथ बातचीत की। अधिकारियों से बातचीत करने पर वो रो रही थी और तभी जब अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने उसे अपनी कस्टडी लिया। वहां पे एक महिला अधिकारी के द्वारा अच्छे से अपने विश्वास में लेने के बाद ये जानकारी सामने आई। इसके बाद रविवार की शाम को या फिर हम कह सकते हैं रविवार की रात को ये घटना बर्डी पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई गई और इस मामले में अब तक 4 आरोपी जो है वो हिरासत में लिया जा चुके हैं, वही बाकी के जो आरोपी है उनकी खोजबीन पुलिस द्वारा जारी है, ऐसी जानकारी मिली है। हालांकि इस घटना से कई सवाल पैदा हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये है कि क्या उपराजधानी नागपुर महिलाओं के लिए सुरक्षित है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।